नमस्कार, आईबीएन 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आदेशों की खुलकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। स्वयं शिक्षा मंत्री विजय शाह के गृह क्षेत्र का है पूरा मामला। शिक्षा मंत्री विजय शाह द्वारा प्रदेश की प्राइमरी कक्षा को छोड़कर सारे विद्यालयों में झंडा बंधन अनिवार्य किया गया है, मगर हम आपको बता दें कि खंडवा मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम हबला हाई स्कूल में आज तक झंडा वंदन नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। देखते हैं पूरी खबर आईबीएन 24 पर अखिलेश ठाकुर के साथ। प्रिंसिपल के द्वारा वहाँ पे लगभग झंडा वंदन ही किया जाता है और हम मौके पर से मीडिया वाले गए थे, लेकिन वहाँ पे झंडा वंदन सुबह 10:30 बजे से लगा के 2 बजे के बीच तक नहीं हुआ और मैडम उसमें पल्ला झाड़ते नजर आ रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी सूचना मुझे 1 तारीख को मिली थी जब मैं कलेक्टर कार्यालय में काम कर रहा था, और क्योंकि 2-3 तारीख को छुट्टी थी और 4 तारीख को हम लोग शिक्षक दिवस उसमें लगे हुए थे, लेकिन हमने 7 तारीख को इस घटना के बारे में उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उसका जवाब जैसे ही आता है वरिष्ठ अधिकारियों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो अगर वो झंडा वंदन नहीं कर रही है तो उसकी गलती है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई विधि अनुसार हो सकती है प्रस्तावित की। सर, लगभग वहाँ पे जैसे मामला जैसे है उसमें बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पे देखा जाए सबसे पहले तो वहाँ पे जो स्टाफ आपको लगभग मालूम होगा कितने स्टाफ हैं वहाँ? कुल मिला के वर्तमान में 3 लोगों का स्टाफ है हाई स्कूल में, और उसमें 2 जेंट्स है 1 लेडीज है। उस दिन जो 1 तारीख वाली घटना थी उस दिन जो 1 जेंट्स स्टाफ है वो इको क्लब की मीटिंग में MLB में आए हुए थे। अब जैसा कि मोबाइल पे मैडम ने बताया कि मैं यहाँ पे एक जानकारी मेरे को जमा करना थी 100% रिजल्ट वाली, उस कारण मैं यहाँ से लेट पहुँची थी और मेरे पहुँचने के पहले ही आप लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अब उसकी हम लोग जांच करा लेंगे और जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उस हिसाब से हम उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर, इसमें मैडम 10:30 बजे पहुँच चुकी थी हाई स्कूल? नहीं, ये मुझे संज्ञान में नहीं है। आपका परिचय नहीं सर? मैं संजीव मंडलोई, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खंड।